जैसा कि सर बता रहे थे कि कई की वदंतियाँ जुड़ती चली गई, एक और गजब का किस्सा ये जुड़ा, चूँकि उसी उससे कुछ पहले भिखारी ठाकुर से, लेकिन समकालीन ही माना जाता है, महेंद्र मिसिर करके एक बड़े ही पूर्वी के गायक हुए। और ये माना जाता है, ये अब तथ्य स्थापित एक करने की कोशिश की जा रही है या बातें आ रही हैं कि महेंद्र मिसिर को भिखारी ठाकुर ने अपना उस्ताद माना था, महेंद्र मिसिर के पास गए थे। लेकिन इसके बारे में सर, ये बातें कहाँ से आई और कितनी सच है? देखिए, ये बात बिल्कुल झूठी है। भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिसिर दोनों समकालिक थे, काल लगभग एक ही था। महेंद्र मिसिर 2 साल पहले पैदा हुए थे और भिखारी ठाकुर 2 साल बाद में पैदा हुए थे, इसलिए काल तो एक ही था। लेकिन ऐसा कहीं नहीं मिलता है कि महेंद्र मिसिर के पास भिखारी ठाकुर गए थे, उनसे भेंट हुई थी और वो उनके गुरु थे, उस्ताद थे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भिखारी ठाकुर की ये ईमानदारी है कि उनके यहाँ जो भी कलाकार काम करता था, उन्होंने गीतों में उनका भी नाम लिया है, जोड़ा है। कौन साज बजाता था, कौन किस प्रकार का गीत गाता था, कौन लवारी करता था, लोगों को हंसाने का काम करता था, उनके भी नाम उन्होंने लिखे हैं। और फिर वो तो गीत में साफ साफ कहते हैं, वो बनिया गुरु नाम भगवाना, उहे ककहरा साथ पढ़ाना। तो जिसने ककहरा पढ़ाया था उस गुरु का नाम लेते हैं, फिर कला गुरु का भी वो नाम लिखते हैं, लेते हैं। बाबूलाल उनके कला गुरु थे, जो मढ़ौड़ा के पास, खैरा के पास, वो चंदनपुर में रहते थे और वो बैकवर्ड की बस्ती थी, वहीं भिखारी ठाकुर पूर्वाभ्यास करने जाते थे, वहीं सीखने जाते थे, वहीं उनके कला गुरु थे। तो वो उनके बारे में भी कहते हैं कि बाबूलाल छाटस बाल और गावहूँ के जानस हाल। तो जब बाबूलाल की चर्चा वो करते हैं या फिर दूसरे लोगों की चर्चा करते हैं, तो महेंद्र मिसिर जैसे नामी आदमी जब उनके गुरु होते तो कहीं उनकी चर्चा नहीं करते, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ये अफवाह है। और एक तरह से आप कहिए कि महेंद्र मिसिर को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कुछ उनके लोग हैं, वो चाहे उनके स्वजातीय हो सकते हैं, उनके वर्ग के हो सकते हैं, उन लोगों ने ये अफवाह फैलाया है कि वो उनके गुरु थे और इस तरह भिखारी को ही दिखलाने की कोशिश हुई है और उनसे श्रेष्ठ महेंद्र मिश्र को साबित करने की कोशिश इस अफवाह में की गई है। आपने कभी एक बातचीत में यह भी बताया था कि कहाँ से अफवाह कैसे शुरू हुई, वो सर अगर आप बताना चाहें। देखिए, मेरे पास एक प्रोजेक्ट लेके आए थे बद्री नारायण। बद्री नारायण तो मूल रूप से आरा के रहने वाले हैं और अभी वो निर्देशक हैं गोविंद बल्लभ पंत समाज अध्ययन संस्थान जो इलाहाबाद में है, उसके वो निर्देशक हैं, कवि भी हैं हिंदी के जी। तो उन्हीं को एक योजना मिली थी टिस विश्वविद्यालय, टिस मतलब टाटा वही सोशल साइंस इंस्टीट्यूट है बम्बई यूनिवर्सिटी में जी। वहीं से उनको ये मिला था। तो उसी क्रम में वो आए थे यहाँ पटने में और पटने में हम लोग साथ गए थे वहाँ राजेंद्र जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में, और वहाँ महेंद्र मिश्र के पोता को बुलाया गया था। अच्छा। और फिर पोता भी कुछ लोगों के साथ आए थे, अपने गांव वालों के साथ, और वहाँ उनके पोते का इंटरव्यू लिया था बद्री नारायण ने, और पोते ने कहा कि हाँ हाँ, वो हमारे यहाँ, हमारे बाबा के यहाँ भिखारी ठाकुर तो आके 6-6 महीना रहते थे और वहीं सीखते थे। तो उनके साथ जो दूसरे लोग आए थे, जब हमने उनसे सवाल करना शुरू किया तो पता चला कि ये सारी बात झूठी है, गढ़ी हुई बात है और ये बनावटी बात है जिसको कहलाया जा रहा है, और भरी सभा में इसलिए कहलाया जा रहा है कि इस बात का प्रचार हो कि महेंद्र मिसिर उनके गुरु थे। केदारनाथ सिंह ने अपनी कविता में एक तरह से पैरेलल माना है, समानांतर माना है महात्मा गांधी से भिखारी ठाकुर को। जेवर के लिए, आभूषण के लिए वो देह संबंधी संबंध पैदा कर लेती है नायिका सोनार से, सवर्ण जो होते थे जी। उनके यहाँ बेटियाँ तयानी हो जाती थीं
और तिलक दहेज लेकर के, वो तिलक दहेज नहीं जुटा पाते थे, उसकी राशि नहीं जुटा पाते थे, तो वो शादी अपनी लड़की की नहीं कर पाते थे। तो इस नाटक का प्रभाव कहीं कहीं ये हुआ, देखने में ये आया कि वो लड़की किसी के साथ अपने घर से भाग गई। भिखारी ठाकुर शुरू से ही रामचरितमानस से बुरी तरह प्रभावित थे।